दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो फ्राइडे को हमने कुछ मामूली सी गिरावट देखी। गिरावट ये मामूली इसलिए थी क्योंकि बाजार में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट थी। सभी शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट के बीच में आधा प्रतिशत की गिरावट होना इस बात का सबूत है कि ट्राइडेंट काफ़ी मजबूत है और इस लेवल पर खरीदारी भी हो रही है और आने वाले समय में हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। जो गिरावट का दौर था वो लगभग थम चुका है, जो निगेटिव बातों का दौर था वो भी थम चुका है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, ट्राइडेंट लिमिटेड ने एक और बड़ा सोलर प्रोजेक्ट लगाया और जिस तरह से कंपनी लगातार अपनी तरफ से जीरो कार्बन पॉलिसी भी आगे बढ़ रही है, यह कंपनी कुछ बड़ा करते हुए दिखाई देगी और इसका मैनेजमेंट लगातार कोशिश भी कर रहा है और इसका नतीजा हमें आने वाले समय देखने को मिल सकता है। तो क्या इस समय हमें गिरावट का फ़ायदा उठाना चाहिए और ट्राइडेंट में खरीदारी करनी चाहिए? क्या ट्राइडेंट का स्टॉक फिर से वैसा ही दौड़ेगा जैसा पिछली बार इसने लोगों को मालामाल कर दिया था, ₹3 का स्टॉक जब 70 तक चला गया था? तो इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है ट्राइडेंट का आगे का भविष्य। वैसे अगर आप देखें तो पूरे के पूरे टेक्सटाइल सेक्टर पर तो दबाव बना हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरह से PLI स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है उसका फायदा देखने को मिल रहा है, लेकिन ट्राइडेंट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यह है कि इसका एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत सारा है और अब जब देखें तो इनका US का मार्केट भी है और लेकिन US में इस समय इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बाजार में वहाँ पे गिरावट भी हो रही है तो उसका इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर BSE सेंसेक्स की बात करें तो क्लोजिंग 58,098 के स्तर पर हुई, 1020 पॉइंट की हमने बड़ी गिरावट देखी यानी 1.73% लगभग 0.25% गिरा हमारा बाजार और इसके पीछे वजह बनी इंटरनेशनल मार्केट, लेकिन वहाँ पे मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। कल की जो क्लोजिंग है वो भी बहुत ज़्यादा गिरावट के साथ में, जैसे लग रहा है कि मंडे को भी बाजार में गिरावट हो सकती है। अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो 29,590 के स्तर पर क्लोजिंग रही, हमने वहाँ पे 486 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखी, 1.62% गिरा डाउ जोन्स। S&P 5 इंडेक्स की बात करें तो 3,690 के स्तर पर क्लोजिंग रही, यहाँ पे भी देख सकते हो कि 1.72% यानी 0.2% की बड़ी गिरावट थी। नेस्डेक कंपोजिट की बात करें तो 10,867 के स्तर पर क्लोजिंग रही, 1.80% की बहुत बड़ी गिरावट। इसके अलावा रजल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1,679 का स्तर आ चुका है, 2.48% की यानी लगभग 2.5% की बहुत बड़ी गिरावट। तो सभी बाजारों में ज़बरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ है और इसी वजह से आने वाले समय में बाजार में और गिरावट हो सकती है, मंडे को हमें बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस तरह से इस समय माहौल बिगड़ा हुआ उस वजह से आप देख सकते हैं कि FI बाज़ार से लगातार फिर से बिकवाली शुरू कर चुके और इस वजह से बाजार आते हुए हमें और नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बीच में अगर हम ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई 38.60 पर, 37.40 का लो भी बना और हाई है 38.60 का, अंत में क्लोजिंग 37.75 पर रही जहाँ पे हमें 0.40% की मामूली सी गिरावट देखने को मिली। तो काफ़ी मजबूती रही, दिन में पॉजिटिव माहौल भी हमने देखा यानी इस लेवल पे खरीदारी अच्छी खासी हो रही है, लोग ट्राइडेंट में खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक कोविड काल में 3.85 के आसपास था, 27 मार्च 2020 को ₹3 का स्टॉक और ये जब दौड़ना शुरू हुआ तो 70 तक चला गया और आपको ध्यान होगा तो ये स्टॉक मैंने लगभग 4-5 रुपये से लगातार आपको सजेस्ट करना शुरू कर दिया था और बहुत ही शानदार इसने रिटर्न भी दिया है। पिछले एक साल पहले जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको भी बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है क्योंकि 24 की प्राइस थी 24 सितंबर 2021 को, उस हिसाब से 55% का अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। जिसने 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया उसको फिलहाल लॉस हो रहा है कम से कम 27% का, क्योंकि 52 से स्टॉक नीचे गिरते हुआ है, क्योंकि ये आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी गिरावट भी हुई, स्टॉक नीचे आया है। लेकिन जिसने 1 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया उसको फिलहाल अभी लॉस नहीं हो रहा है क्योंकि 36 के आसपास की प्राइस है, फिलहाल 3.28% उसको प्रॉफिट देखने को मिल रही है। इसके बीच में अगर देखें तो ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ से एक बहुत बड़ी जानकारी दी गई है। ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ से बयान दिया गया है कि उनका कहना है कि उन्होंने उनके बुद्धि प्लांट्स मध्य प्रदेश में 8.87 मेगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट वहाँ पे लगाने के लिए जो इन्होंने शुरुआत की थी उसमें से अगर आप देखें तो 5.48 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट उनका कंप्लीट हो चुका है जो फेज़ 1 में है और आने वाले समय में यानी सेकेंड जो उनका जो फेज़ होगा फेज़ 2 में 3.39 मेगावाट का जो बाकी का है वो भी सोलर प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाएगा, जिसके लिए टाइम जो उन्होंने बताया 15 दिन में ये कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आप देख सकते हो कि लगातार कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है और कंपनी जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाने की तैयारी कर चुकी है और आने वाले समय में जितने भी प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के ऊपर जो इस्तेमाल होगा ऊर्जा का वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगा। तो उनकी तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया कि उन्होंने 8.87 मेगावाट की बुद्धि में सोलर प्रोजेक्ट लगा लिया। इससे पहले अगर आप देखें तो लगातार उनकी कोशिश जारी है कि जो वातावरण में जो पॉल्यूशन है उसको रोका जाए, इसके लिए लगातार इनको अच्छे अवार्ड भी मिल रहे।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है उसमें वो जो उनका वेस्ट निकलता है उस वेस्ट को भी वो बिजली के रूप में वापस उसको इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए रीयूज़ करने के लिए जो उन्होंने ऑलरेडी इसके लिए प्लांट लगाए हुए, साथ में अगर आप देखें तो वो टोटल जितने भी उनके बॉयलर्स हैं उसमें ब्लैक लीकर एफ्यूलेंट लगाते हैं और साथ में बायोमास का इस्तेमाल करते हैं कोल के साथ में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन को रोका जा सके, यानी जितना हो सके कि वातावरण में उनकी वजह से पोल्यूशन न फैले इसके लिए वो बायोमास का इस्तेमाल करें, और जो भी उनकी फैक्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसको वापस वो रीयूज कर रहे। तो एक तरह से ये बहुत बड़ी ईमानदार पहल है। आप देखें तो 1999 तक जहाँ पे इनकी जो पावर प्लांट की जो कैपेसिटी वो 9.4 मेगावाट की थी, उसको 2021 तक बढ़ा के 50 मेगावाट तक पहुँचा दिया है, और अब आप देखोगे तो एक करीब 9 मेगावाट का इनका और नया प्रोजेक्ट जो बुद्धि में कंप्लीट होने जा रहा है। इस तरह से इनकी पावर प्लांट की जो कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है, और एक तरह से एक बहुत बड़ा इन्होंने मैसेज दिया है इन दूसरी कंपनियों को भी कि आने वाले समय में वो भी जो वातावरण में उनकी वजह से जो पोल्यूशन फैलता है उसको वो कम कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि चाहे लुधियाना में हो या फिर यहाँ पे बुधनी में हो, कंपनी हर जगह पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर जितना हो सके उनकी वजह से पोल्यूशन में कमी आए उसका पूरा इंतजाम करें, और इसीलिए लगातार प्रोजेक्ट वो बढ़ा रहे। और आप देख सकते हो कि इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो पिछले कई दिनों के बाद में हमने यहाँ पे 2020-21 में कंपनी की परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखा है। अगर हम इसको BSE मिड कैप और साथ में बेसिक मटेरियल इंडेक्स के साथ कंपेयर करें तो आपको 2 साल से ट्राइडेंट मजबूत होती हुई दिखाई देगी। अगर हम बात करें 2016 की तो ट्राइडेंट ने 0.60% का निगेटिव रिटर्न दिया था। इस दौरान BSE मिड कैप 7.97% का पॉजिटिव रिटर्न दे चुका था। BSE बेसिक मटेरियल की बात करें तो वहाँ पे 31.76% की ज़बरदस्त तेजी थी। 2017 की अगर हम बात करें तो ट्राइडेंट ने 55.34% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान BSE मिड कैप 48.13% का पॉजिटिव रिटर्न देने में कामयाब हुआ, लेकिन BSE बेसिक मटेरियल ने यहाँ पे 55.96% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस तरह बाजी जो मारी वो BSE बेसिक मटेरियल ने मारी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 2018 की तो ट्राइडेंट ने 25.81% का निगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान BSE मिड कैप भी 13.31% का निगेटिव रिटर्न दिया, और BSE बेसिक मटेरियल ने भी 19.21% का निगेटिव रिटर्न दिया। तो 2018 में गिरावट का दौर जारी था। 2019 की बात करें तो ट्राइडेंट ने 1.76% का निगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान BSE मिड कैप ने 3.05% का निगेटिव रिटर्न दिया, और BSE बेसिक मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर भी गिरावट 4.62% की गिरावट देखी। लेकिन 2020 की अगर हम बात करें तो 47.76% का जबरदस्त रिटर्न दिया ट्राइडेंट लिमिटेड ने। इस दौरान BSE मिड कैप 19.87% दौड़ा, और BSE बेसिक मटेरियल्स ने 26.07% की तेजी दिखाई। लेकिन यहाँ पे आपको विनर ट्राइडेंट लिमिटेड दिखाई देगा। अब 2021 की बात करें तो ट्राइडेंट ने 396% का जबरदस्त रिटर्न दिया। इस दौरान BSE मिड कैप 39.18% का पॉजिटिव रिटर्न देने में कामयाब रहा, और BSE बेसिक मटेरियल ने 61.53% की तेजी दिखाई। तो ये देख सकते हो 2021 का साल एक तरह से गोल्डन पीरियड था ट्राइडेंट के शेयर होल्डर के लिए, बहुत ही जबरदस्त तेजी दिखाई। और जिस तरह से पिछले 2 साल से हमने ट्राइडेंट में पॉजिटिव माहौल देखा है, उससे लगने लगा कि आने वाले समय ट्राइडेंट में हमें शानदार और तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये मौका है ट्राइडेंट में खरीदारी का। अब ट्राइडेंट आने वाले समय मजबूत आपको होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे जो रेटिंग है वो भी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे मास्टर रेटिंग देखें तो 5 स्टार में से 4 स्टार निकल के आ रही है। EPS स्टैंड इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की है, जो काफ़ी अच्छी है। बाय डिमांड 5 स्टार में से 4 स्टार की निकल के आ रही है, यानी लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। प्राइस स्ट्रेंथ में थोड़ी सी कमी जरूर है, क्योंकि 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, और ग्रुप रैंक में भी 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, और लगातार बिजनेस बढ़ रहा है। बस कमी है तो यहाँ पे यह है कि इस समय एक्सपोर्ट का बिजनेस थोड़ा सा दबाव में चल रहा है, क्योंकि उस समय की इन्फ्लेशन का इफेक्ट US में है, और यूरोप के बाज़ार में इस समय प्रॉब्लम चल रही है। तो आप देखते हो रसिया यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है, ये जो बातें जो बाज़ार को थोड़ा सा यहाँ पे प्रभावित कर रही है पूरे टेक्सटाइल सेक्टर को। ओवरऑल ट्राइडेंट में खरीदारी का मौका है। लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेके चले, 5 साल के लिए अगर आप इसको होल्ड करोगे तो ये 500 का टारगेट दिखाने की ताकत रखता है। तो बिल्कुल निवेश को बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।